सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करें आपसे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जया एकादशी, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से सुनाया था इस कथा को। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, यह एकादशी जया नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्ष के पास नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक इंद्रदेव ने वहां नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र, ये तीन गंधर्व मुख्य थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी की एक कन्या थी, पुष्पवंती के नाम से जानी जाती थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था, उसका नाम बाल्यवान था। बाल्यवान पुष्पवंती के रूप पर मोहित हो गया था। ये दोनों भी वहीं आए हुए थे उस गंधर्वों की सभाओं में नृत्य करने के लिए। माल्यवान पुष्पवंती पर जब मोहित हो गया था, तो ये एक दूसरे को देख करके और आपस में देखने के कारण ना तो ये नृत्य कर पाए और ना ही गा पाए, और ये लय से ताल से भी अलग हो गए। तो इंद्र ने सोचा कि यहाँ पर तो मेरा अपमान हो रहा है कि ये लोग बेताला गा रहे हैं, गा भी नहीं पा रहे, नृत्य भी नहीं कर पा रहे। तो इंद्र ने उन दोनों को बिना सोचे बिचारे दोनों को श्राप दे दिया और कहने लगा कि जाओ, तुम दोनों पिशाच हो जाओ। वह हिमालय पर्वत पर जाकर के दोनों पिशाच योनि में पड़ गए और दुख को प्राप्त करने लगे। फिर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। इसी जया नाम की एकादशी आई और जया नाम की एकादशी का उन लोगों ने व्रत किया। उस दिन ना उन्होंने जल पिया, ना उन्होंने फल खाया, ना ही उन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण किया। पूरी रात्रि निकल गई, प्राण छूटने की नौबत आ गई कि जल नहीं मिल रहा, प्राण छूट रहे हैं, इस तरह की नौबत आ गई। भूख प्यास से बेचैन हो गए, परंतु उन्होंने व्रत को नहीं तोड़ा। दूसरे दिन द्वादशी तिथि आई, व्रत को पूर्ण किया, और व्रत को जब पूर्ण किया तो भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और उनको उस प्रेत योनि अर्थात उस पिशाच योनि से छुटकारा प्राप्त हो गया। सुंदर विमान आया, दोनों उस पर बैठे और इंद्र की सभा में पधारे। इंद्र ने दोनों को देखा, कहने लगे तुम्हारा पिशाच योनि से कैसे छुटकारा प्राप्त हुआ? दोनों ने कहा कि मैंने जया नामक एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण मैं पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बाल्यवान बोला, भगवान विष्णु और जया नाम की एकादशी से हम मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, श्राप से मुक्त हो गए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता। और मित्रों, इस व्रत को केवल सुन लेने से या सुना देने से किसी को भी ब्रह्म हत्या और पिशाच योनि से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।